अरे टकले विक्टर हमारे साथ क्यों आ रहा है तू? अबे कच्चादार, ये सामने भंडारा हो रहा है, भंडारे पे ध्यान दो, भंडारे पे तो सबका अधिकार होता है। और तुम लोग टकला किसको बोल रहे हो, माखन चोरों? रुक जाओ, अभी तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। तो गाइस कैसे हो तुम लोग, स्वागत है आप सभी का मार धक्का धूम धक्का की एक और नई गेम प्ले वीडियो में। और बताने की जरूरत तो मुझे है नहीं है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, लसन कच्चादारियों ने हमें टकला कैसे बोला। अब अपनी चाटगन से हम इनको टकला करने वाले हैं, एक एक का मुंडन कर देंगे। और मुंडन करने के लिए उस्त्री की तो आवश्यकता है नहीं, ये छोटी अलग से मैं निकाल दूंगा। हाँ बस इसी चीज की तो कमी रह गई थी, ये कच्चादारी मेरे ऊपर रस कर रहे हैं। तू एक कूल है वो। पता नहीं कौन है। तू पीछे देखो, पीछे। पीछे तू देखो। उधर देखो। मुर्गी है, मुर्गी। मैं अच्छा खासा सामने वाले बॉट को मार रहा था, लेकिन इस कच्चादारी को पता नहीं क्या चुल मची, वो गुजा चला गया उस बॉट को लपेटने के लिए कट्टा लेके, और खुद ही नॉक हो गया बॉट के चक्कर में। इनका तीसरा बंदा उनको रिवाइव देने की जगह पर यहाँ पर बॉटों को लपेटने लग रहा था, और इतनी शिद्दत और चाहत के साथ इतना फोकस लगाकर उस बॉट को देख रहा था कि इसको कानों कान तक खबर नहीं थी कि मैं इसके पास आकर सांप बन चुका हूं या फिर बनने वाला हूं। अरे बॉट तू कितनी दूर भाग के जाएगा मुझसे, तुझे तो अभी नॉक करता हूं। बॉट साले रुक जा, कहां पर गया ये साला, इतनी दूर भाग गया, अभी रुक जा साले, अभी सांप बन के बैठता हूं तुझे। बॉट साला कहां गया, ये बॉट गायब हो गया, पता नहीं कहां पर गायब हो गया, अभी यहीं पर छपा रहता हूं, कोई बंदा आएगा सामने से तब इसको पेलूंगा। हां कोई नहीं आ रहा है अभी भी। तो इस नागिन को लपेटने के बाद मुझे लगा कि मैंने सारी नागिनों को लपेट दिया है, लेकिन मुझे यहाँ पर एक और कच्चादारी दिखाई देता है। पहले मैं सोचता हूँ इसके ऊपर फायर करूँ, लेकिन इसको पता नहीं कैसे अंदाजा लगता है और ये करके अंदर चला जाता है। एक पल के लिए मुझे बॉट भी लगा था, लेकिन ये बॉट नहीं था, क्योंकि बॉट कभी भी कैंप नहीं करते हैं, तुम लोगों को पता ही होगी ये बात। लेकिन जिन कच्चादारी को मैं परेशान करता रहता हूँ ना, उनको बॉट भी आकर परेशान कर देते हैं। एक को तो मेरे सामने बॉट ने लपेट दिया, उस कच्चादारी के पास एमओ खत्म हो गई थी तो वो भागने लग रहा था बॉट से डर डर के, और बॉट ने उसको घुस घुस के मारा। वो वीडियो भी तुम्हें चैनल में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, वहां से तुम देख लेना। लेकिन उससे पहले इस कच्चादारी को देखो, इसको अनुमान हो चुका है कि कोई ना कोई तो मेरे पास आ चुका है। तो इसके पास मैं ऐसा करता हूँ, पहले हेल्थ किट फेंकता हूँ, देखते क्या ये कच्चादारी हेल्थ किट यहाँ से उठाएगा या फिर खुद ही उठ जाएगा यहाँ से। इस कच्चादारी को तो बिल्कुल होश भी नहीं है, मैं किधर क्या सामान फेंकने लग रहा हूँ, और ये डर के भागने लग रहा है यहाँ से। ओ, ये तो भाग गया कच्चादारी। अब ये कच्चादारी इस स्क्वाड हाउस के अंदर आ जाता है, और मैं भी यहाँ पर उसका वेट कर रहा होता हूँ। देखो कैसे आराम से आकर यहाँ पर अपनी पेटियाँ लूटने लग रहा है, मैंने जिन बंदों को लपेटा था उनकी, और इस वाले कमरे में आके कैंप करने लग गया कच्चादारी। बाहर निकल यहाँ से साले, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। अब मैं उस कच्चादारी की जगह पे जाता हूँ, वो कच्चादारी मेरी जगह पर आ जाते हैं, एक्सचेंज हो जाती है जगह। कौन सा आ रहा है यहाँ पर, यहाँ से तो कोई नहीं आ रहा है, इधर से तो कोई आ भी नहीं सकता, आएगा तो सीढ़ियों से। चलो अंदर जाके बैठता हूँ मैं, अंदर कोई भी नहीं होगा। अब जैसे ही मैंने उस कच्चादारी की पेटी बनाई, तो यहाँ से किसी ने वेक्टर का फायर किया था, तो मैं बग्गी लाके यहाँ पर चेक करता हूँ। फिर मुझे यहाँ पर ये कच्चादारी दिखाई देता है, जो कि कितनी देर से पता नहीं यहाँ पर घास पर बॉटों को मारने लग रहा था। तो मैंने कहा यार क्यों ना इस कच्चादारी को भी मौका दिया जाए मुझे लपेटने का। वैसे मैं बॉट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये कच्चादारी मुझे मार के अपनी संतुष्टि कर सकता है। देखते हैं गाइस क्या ये कच्चादारी मुझे लपेट पाएगा। मैं इसकी पेटी नहीं बनाऊंगा, ये कच्चादारी को मैं मौका दूंगा। ये मौके पर चौका मारता है या फिर छक्का मारता है या फिर ग्राउंड छोड़ के बाहर निकल जाता है, वो सब इस कच्चादारी के हाथ में है। इसके लक्षण देख के तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये तो ग्राउंड छोड़ के भागेगा, लेकिन पहले इसको यहाँ से उठाने के लिए मैं इसके ऊपर मिट्टी के तेल की बोतल डालता हूँ। लेकिन यार मैं आग से जलता नहीं, कुछ रिश्ता है मेरा आग से, आग मुझे जलाती नहीं। अब ये तो ब्रह्मास्त्र का सिवा निकल जाता है, इसको आग से कुछ नहीं होता है, लेकिन स्मोक से तो बहुत कुछ होगा, इसको आंखों के आगे पूरा कोरा ही कोरा छा जाएगा। लेकिन क्या ये स्नेक अपना स्नेक मोड ऑफ कर पाएगा? अरे बगले तुआ कर दिया विक्टर ने, ओ गोली मार रहा विक्टर, विक्टर बगले पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ। ओ विक्टर साले कैसे पेड़ के पीछे छुपा बैठा है विक्टर टकले, अभी तेरी खुर्री कर देता हूँ साले। एक जगह पर रुक जा विक्टर साले, क्यों नहीं रुक रहा है, तेरी तो अभी पेटी बना दूंगा विक्टर, बहुत देर हो गई साले तुझे। तो गाइस आज का वीडियो तुम्हें कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बता देना, और ये भी बताना कि मैं किस टाइप की गेम प्ले अपलोड करूँ, इजी टाइप के या फिर जो मैं क्लासिक के गेम प्ले डालता हूँ 5-5 10-10 मिनट के वो।